during the shutdown, during the meeting. Allah, wa ta'ala, सुन्नत के लिए जो अमल कर दे
सुन्नत हो गया, वाजिब हो गया, तो पता चला फरीजे का ताल्लुक खुदा से है, वाजिब का ताल्लुक रसूल से। नमाज को मैंने किया ताकि लोग जिक्रे जिक्रे वाजिब हुआ, जिक्रे मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ना है ये भी वाजिब है, ये वाजिब है, मगर ये आपका छूटा हुआ वाजिब कोई और अदा कर सकता है, यानी जिक्रे मोहम्मद कर सकता है, जिक्रे मोहम्मद कोई और कर सकता है, मगर जिक्रे अली में नियाबत नहीं है। इसलिए पैगंबर इस्लाम जब ऐलान किए मन कुंतु मौला हाजा अलीयुन, मौला रसूल खुदा का फरीजा अदा हुआ, अब तक वाजिबात अदा हुए थे, मगर वाजिबात खुबूरियत की मंजिल में नहीं थे। वाजिब खुबूर होता है फरीजे से, अलियन वलीउल्लाह फरीजा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि मौलवी लोग फरीजे को वाजिब में तलाश कर रहे हैं, वाजिबात की फहरिस्त और है उसमें फरीजे को क्यों तलाश कर रहे हैं। इस बात पर गौर करो कि वाजिब किसकी बुनियाद पर कबूल होता है। हरचंद के वाजिब को आपने अदा किया, अदा किया मगर कबूल नहीं हुआ, तो कबूलियत का दारोमदार फरीजे पर है, फरीजे पर है। और उसी वक्त की बात है कि पैगंबर इस्लाम से खुदा बंदे आलम ने कहा अलम नशरा लका सदरक, अलम नशरा लका सदर, पूरा सूरह नहीं पढ़ा तो क्या मैंने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया। तो पता चला फरीजे का ताल्लुक सीने से है, और करना चाहिए इन बातों पर, तो फरीजे का ताल्लुक क्या मैंने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया, सवालिया है ये, सवालिया है। चुनाचे जो सदर से जिस चीज का ताल्लुक है उसको कहते हैं फरहत, फरहत। तो मैं कह सकता हूँ कि खुदा बंदे आलम हबीब से मुखातब होकर ये कह रहा है क्या मैंने तुमको फरहत अता नहीं किया। उस फरहत को अली कहते हैं, ऐलान करने के बाद पैगंबर इस्लाम करें फल युबल्लिगु शाहिद, शाहिद का फरीजा है वाजिब है, फरीजा है गायब तक हुक्म पहुंचाएं, वाजिबात का हुक्म पहुंचाना हमारे जिम्मे नहीं है, वाजिबात का हुक्म पहुंचाना उम्मत के जिम्मे नहीं है, वाजिबात की तबलीग हराम है, वाजिबात की तबलीग हराम है, फरीजे की तबलीग फरीजा है। जब्बार दीन का पहला फरीजा ये भी वाजिबात में से नहीं है, मारिफते इमाम हासिल करना फरीजा है, वाजिब नहीं है। उनका खादिम अर्ज कर चुका, मारूदा कर चुका है कि वाजिबात में नियाबत है, मारिफते इमाम हासिल करना फरीजा है, फरीजा अपनी जात पर वाजिब फरीजा है, वाजिब में गैर है। और मेरी जानिब से मेरे डैड मारिफत इमाम हासिल कर ली, या ये कि मेरा बच्चा कर लिया, तो क्या मेरा फरीजा अदा हुआ? नहीं हुआ।
पता चला मारिफत इमाम के हासिल करने में भी नियाबत नहीं। तो दीगर वाजिबात में कोई ना कोई शरीक हो रहा है, खुदा की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, खुदा की इबादत में किसी को शरीक, उस पर इतलाक फरीजा होता है, वाजिबात नहीं फरीजा है, फरीजा किसी दूसरे को इसमें शामिल नहीं करना। तो पता चला मेरी जानिब से मेरा लड़का मारिफत हासिल नहीं होगा, और अगर मेरी जानिब से मेरा बच्चा मारिफत हासिल कर ले तो वो मोमिन होगा, वो मुस्लिम होगा या मैं? तो पता चला ये ऐसा फरीजा है जो ट्रांसफर भी नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होता। और जैसे जैसे मारिफत हासिल करे मारिफत दर्जे बुलंद होते, तो पता चला फरीजे में दर्जे बुलंद होते हैं, वाजिब में नहीं। सलमान बाजार ना, क्या सलमान ज्यादा नमाजें पढ़ते थे जिसके सबब मिन्ना की सनद नहीं, नहीं बल्कि तो फरीजा इस खूबी के साथ अंजाम दिए कि एक मंजिल ऐसी आई जैसे कि खुदा बंदे आलम को हबीब खुदा के लिए कहना पड़ा उधरो मिली उधरो मिली खरीबा जाओ। तो पता चला जो फरीजे पर अमल करता है अहले बैत उसको उधरो मिली कर दुरूद का तोहफा पेश करें मोहम्मद से है जो माँ बाप का दिया है। अब इसी पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला, मौला ने आता कर दिया उसी पर गुफ्तगू करूंगा, चाहे वो निस साथ हो या एक साथ हो या ये एक साथ के ऊपर हो जाए, इसी पर गुफ्तगू होगी, उसका मैं तमाम करूंगा। अब ये वालिदैन है जिस्म खून हड्डी गोश्त बाल पुठे वगैरह वगैरह, अतिये वालदैन है, वालदैन का अतिया है ये अल्लाह का नहीं, हुक्म मासूम से आप एक जिस्म बना सके बस, हुक्म अगर हुक्म मासूम न होता तो आप जिस्म भी नहीं बना सकते, क्या होता बुत परस्ती हो जाती, बुत नहीं बनाना है, बुत नहीं बनाना है, क्यों कि रूह डालना वाजिब है, रूह डालना वाजिब है। तो सुनत रसूल रसूल खुदा ने कह दिया इसके पीछे भी एक मकसद है जिसकी बुनियाद पर मुबाशरत रखी गई, क्या है मकसद? तो कहना होगा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है फइन्नी उबाही बकुमुल उमम, मैं अपनी उम्मत पर फख्र करूं, उम्मत की ज्यादती के लिए निकाह है, मकसद है इसके पीछे एक मकसद है। तो चुनाचे माँ और बाप दोनों मिलकर एक जिस्म बना दिया, जिस्म बना दिए, जब मासूम ने कहा तुम जिस्म बनाओ तो अल्लाह पर वाजिब हुआ रूह डाले, ये रूह वालिदैन का दिया नहीं है, सिर्फ जिस्म वालिदैन का दिया। अब आप बताएं, मैं नहीं, आप बताएं वो कौन सी इबादतें हैं जो जिस्म से वाबस्ता है? नमाज रोजा कब तक है? जब तक के ये जिस्म है, तो जिस्म है तो वाजिबात है, जिस्म है तो वाजिबात है। और जैसे ये जिस्म सुपुर्द-ए-लहद हुआ
अब बताएं, नमाज है, रोजा, हज, जकात, कुछ नहीं है, फुर्सत हो गई, यानी वालिदैन का जो अतिया था वो सुपुर्द लहद हो गया। जब सुपुर्द लहद हो गया तो नमाज गई, रोजा गया, हज गया, वाजिबात खत्म हुए। सब खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब अतिये रब्बानी है रूह नफ्स हवासे खम्सा, इस पर फरीजे को खुदा ने फरीजा किया। और ये तयशुदा बात है कि तवल्ला और तबर्रा का ताल्लुक जिस्म से नहीं है बल्कि रूह से है। जिस्म से नहीं बल्कि रूह से है, क्योंकि तल्खीन में पढ़ा जा रहा है और बहिम अतवल्ला व मिन आदाहिम अतबर्रो फिद दुनिया वल आखिरा। तो सिर्फ और सिर्फ रूपी नहीं, जब वालदैन ने जिस्म दिया तो खुदा कह रहा मैं रू दे रहा हूं, जब मैं रू दे रहा हूं तो तवल्ला और तबर्रा फिर दुनिया वो फिल आखिरा, फिर दुनिया वल आखिरा। तो अब ये जिस्म से तवल्ला का भी इजहार हो और तबर्रा का भी इजहार हो, क्योंकि खुदा ने रू देख कर हमको पाबंद कर दिया। जब ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज करते रहे, नहीं, तुम्हारे वालिदैन का अतिया है मगर अहम तरीन चीज मैं दे रहा हूँ। मैं देखो यहाँ पर मैं अल्लाह अल्लाह कह रहा हूँ, इससे मुराद रू देने वाला अली है। अपनी असल की तरफ जाती है, हर शय अपनी असल की तरफ जाती है। उम्मुल अरवाह अल्लाह नहीं है, उम्मुल अरवाह आपका मेरा मुश्तरक मंदूर है। तो आपकी रूह कहां जाएगी? उम्म के पास पहुंचेगी, क्योंकि वही रूह देने वाला है, वही रूह। अगर बात वाजे नहीं हुई तो सलमान के वाक़े पर गौर करो, तो समझ में आ जाएगा सलमान के करीब अल्लाह नहीं आया। हर चंद के सलमान की रूह निकल चुकी थी, सलमान बज़ाहिर मौत की रिदा उड़े हुए थे, मौत की रिदा उड़े हुए थे। हयात बांटने वाला, रूह अदा करने वाला जैसे ही आया, रिदाए मौत को फेंका। और सलमान ने ये बता दिया कि देखो हयात अली के कब्जे कुदरत में है, हमारी मौत और हयात अली के कब्जे में है। बात बातें हो गई, रूह किसका अतिया है? अली का। अल्लाह के दुश्मन पर तबर्रा नहीं करना है, और ना अल्लाह से तबर्रा करना है। अल्लाह से तबर्रा नहीं करना है ना, अल्लाह के दुश्मन से तबर्रा करना है। तबल्ला और तबर्रा फिर दुनिया वला आखिरा। लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों तबर्रा करते हैं, क्यों? फिर दुनिया भी है वला आखिरा भी है, वला आखिरा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये फरीजा वाजिब में आ गया है, ये फरीजा नमें दसवें वाजिब में आ गया। वो खुदा बंदे आलम ने ये इत्तेमाम किया
क्योंकि फिर दुनिया है। सुन्नती नमाज पढ़ेंगे, जब ये समझ में आ जाएगा तो सुन्नत को वाजिब नहीं करते, वाजिब को सुन्नत नहीं करते। ये समझ में आना ना, इब्तदाई बातें नहीं समझे, समझने की बातें हैं ये। तो जो जिस्म है वालिदैन का अतिया है, हुक्म मासूम पर, अगर मासूम हुक्म न देते तो क़यामत निकाह हराम हो जाता। उनके कहने पर वाजिब नहीं है ये, क्यों? लायक रहा फिद्दीन है, लायक रहा फिद्दीन है, इसीलिए वाजिब भी नहीं है।
मगर देखा ये जा रहा है लोग उम्मते पैगंबरे इस्लाम को बढ़ाने के लिए निकाले कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को बुझाने के लिए कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप हजार का भी तजिया होगा, अरे हजार तशरीफ फरमाए। मेरा एक तजिया है कि अक्सरियत ख्वाहिशात नफसानी को बुझाने के लिए निकाह कर रहे हैं, मगर उम्मत पैगंबर इस्लाम को बढ़ाने, अगर उम्मत पैगंबर इस्लाम को बढ़ाने के लिए निकाह करते होते तो अपनी औलाद को दीनी तालीम देते, दीनी तालीम देते ताकि उम्मत में ज्यादती हो और बच्चा दीन से बिल्कुल ना बलद। कौन सो दूर है दीन, दुनिया बहुत करीब है, दुनिया को करीब कर दिया, दीन को दूर कर दिया। जैसे अक्सर बच्चे जो बाहर जाते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया भी रहे दीन भी रहे, नहीं बाबा एक चीज छोड़ना है, एक चीज छोड़ना है, दोनों एक साथ जमाने होते। बाहर ऐसे ना मजालिस कर सकते हैं ना इस तरह जिक्र कर सकते हैं, दुनिया तो मिल जाएगी। अब ये कि कम से कम घर में तन्हाई के आलम में कुछ वक्त ऐसा गुजार लो कि जिसमें दीन मिल जाए, कमाओ दुनिया भी कमाओ मगर वो दुनिया को बराए दीन रखो, दुनिया को बराए दीन रखो मगर यहाँ दुनिया कमाई जा रही है बराए दुनिया के। अब जो दुनिया कमा रहे हैं बराए दीन मसरफ, ये उम्र लीज कर रहे हैं, इसमें जो भी खर्च कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं तो ये जाय होने वाले रकम नहीं है, रायगा नहीं होगी, बल्कि कई गुना ज्यादा अहले बैत तुमको वापस। और जहां दीन में खर्च करना है इंसान सोचता है, इत्तेफाक की बात जब आप बर्बर जहन में आई है तो गाँव से छुपाऊं, इतना ही है कि किसी को तकलीफ होगी उसकी भी फिक्र नहीं है। सुना मैं कल ही शब की बात है, रजी से बात करा कि मामला क्या मियां शाबान का जश्न आ गया, तीन चार शाबान का जश्न आ गया और तकरीबन 24 गुजर गई। मैं सबको बोल दिया मैं कब बोले मियां कितने दिन हुए, तो मैंने बस पहली पे बोला मैं आज क्या तारीख है, 14 गुजर गई है 15 मतलब 15 दिन हम सब करें देंगे देंगे काय में दीन में, और मासूम क्या कर रहे हैं दुनिया कमाओ बराए दीन, दीन के लिए कम है दुनिया के लिए ज्यादा है। यहां खर्चोगे हुसैन का मामला है, अल्लाह रखेगा भी नहीं तुम्हारा, कोई बाकी किसी का एहसान नहीं रखता अल्लाह, हुसैन की खुशी तुम मना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा वापस करो सो मैं करूँगा, क्योंकि अमीर घराने का बच्चा है, अमीर घराने का एक नहीं है दो है, एक अमीरुल मोमिनीन के मांगने पर है, एक मेरी ख्वाहिश पर है, और एक बीबी ऐसी है जो बगैर वलायत के लिए शहजादी ज़ैनब बगैर वलायत के लिए है। जब अमीरुल मोमिनीन तमाम मोमिनीन का सैयदो सरदार हाथ फैलाता है, खुदा बंदे आलम उसकी गोदी को आबाद करता है, उसकी गोदी को आबाद करता है बाबुल हवाइज से। अरे जो भी अपनी हाजतें हैं देखो अली की गोदी में कौन है उससे मांग लेना, उनका तो वापस का नाम मैंने
मैंने ये कहा रजी से ये भाई फाइनल जवाब ले लो, भीख मंगवाओ, भीख का जश्न नहीं करना है, ऐ तुम दो या ना दो, खुदा की कसम जश्न होगा होगा, वही शान से करूंगा जिस शान से होता, बल्कि अगर मेरा मौला मेरी रहनुमाई करे, यानी मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई करे, हाँ आमद हुसैन और आमद अब्बास के लिए ऐसा एहतमाम करूंगा कि वो ना मुस्कुराने वाला वो भी मुस्कुरा देगा। सुने ओ खादी में मारूजा कर रहा था, जिस्म है दूसरे रूह है, हवा से खमसा अतिये रब्बानी है, जिस्म है इसका हाकिम मुस्तहबात और सुन्नत के लिए वालिद है, मगर जब इस जिस्म पर वाजिब वारिद होता है तो वालिदैन की नफी, अब इनका हुक्म नहीं चलेगा, मौलवी का नहीं, अरे तुम्हारे हुक्म, तुम्हारा हुक्म सुन्नत पर भी नहीं है, कहा वाजिब में तकलीद करा रहे, की नमाज पढ़ रहे हैं आप, मुसा की नमाज पढ़ रहे हैं, इसी असना में वालिदैन आवाज दिए, हुक्म शरीयत बोलो क्या है, तोड़ो, मौलवी आया, मौलाना आया, मुल्ला आया, अब आकर वो आवाज दे रहा है, हलक सूख जाए, हलक फट जाए, नमाज नहीं तोड़ेंगे तो पता चला सुन्नत में तुम्हारी हुकूमत नहीं है। जिससे समझो वाजिब में किसकी तकलीफ होती है, नमाज मगरिब पढ़ रहे हैं आप, नमाज मगरिब पढ़ रहे हैं, इसी असना में इमाम आए, इमाम आकर आवाज दे तुमको, अब बोलो क्या करना है, तोड़ना है, बस बस वाजिब जिसके हुक्म से तुम क्या उसकी तकलीफ है, सुन्नती नमाज मुस्तहबी नमाज, उसी अर्चना में मौली साहब आ गए आकर आवाज दे रहे, वही तो तीन हैदर, वही तो तीन हैदर, वही तो तीन हैदर, वही तो तीन हैदर, मैं तो शान से नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तस्बीह पढ़ा, दुआ किया, दुआ करने के बाद मौलवी से कहूंगा क्यों अल्लाह रहे थे, अंधे थे, आंखें फूट गई थी, देख नहीं रहे थे, मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था तो तुम क्यों चीख रहे थे, बेअदब है, तुम मौलवी भी नहीं है, तय हो गया वाजिबात का हाकिम, वाजिबात का हाकिम, जहन की तामीर है, जहन की तामीर, वाजिबात का हाकिम इमाम होता है, मुस्तहबात का हाकिम बाप होता है, इस दिन की खातिर पैगंबर इस्लाम ने कहा अना व अलीयुन, मैं वली उम्मत के बाप है, अगर मैं आवाज दे दू तो वाजिब भी तोड़ना, सुन्नत भी तोड़ना, ये तय हो गया, ये मजाजी बाप और है हकीकी बाप, वो मजाज है, ये हकीकत है, ये मजाज नहीं होता, हकीकत नहीं पहचानी जाती, मजाज से क्या पहचानी गई, हकीकत, तो जब हकीकत तुम मान चुके तो फिर अली को मजाज क्यों बोल रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, जब तुम अली को हकीकत मान चुके हैं तो फिर मजाज क्यों, अच्छा ये बताओ मुझे, जब अली जब अली मजाज हो जाए तो क्या हमारे वालिदैन हकीकत होंगे, अल्लाह क्या हकीकत,
नहीं, अगर अल्लाह हकीकत तो ये भी हकीकत, अगर अल्लाह मजाज तो ये भी मजाज है। तो अली हकीकत था, हकीकत है, हकीकत रहेगा। तय हो गया मजाज और हकीकत। मुझे हकीकत की मारिफत दरकार है, मजाज की नहीं, मजाज की नहीं। वालदैन ने जहन की तामीर की कि देखो वली का हुक्म मानना वाजिब है सुन्नत को तोड़कर। बताया जा रहा है कि इताअत कितनी वाजिब है, सुन्नत को तोड़ना है, सुन्नत को तोड़ना है। इताअत वली की खातिर, वली की खातिर। यहाँ अल्लाह कह रहा है मैं वली हूँ, रसूल वली है, अली वली है, तीन वली है। और इत्तेफाक के बाद ये है कि अगर आने वाहिद में तीनों आवाज दें तब तीनों को लब्बैक बोलना। तीनों को लब्बैक कहना, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं सुन्नती नमाज, तभी लोग कहते हैं तुम नमाज पे पढ़ो, पढ़ लो, आओ सुनो, आओ सुनो, देखो हम नमाज का भी जिक्र करते हैं तो कैसे। वली को समझने के लिए, इताअत को समझने के लिए मैं नमाज को सहारा बनाया, और जिस वक्त मेरा वली समझ में आ जाएगा नमाज की नफी करूँगा, नमाज की नफी कर दूंगा। तो देखो हुक्म शरीयत ये है कि अगर तुम सुन्नती नमाज पढ़ रहे हैं तो एक वक्त वालिद भी आवाज़ दे, वालिदा भी आवाज़ दे। तो अब क्या करना है, किसको लब्बैक कहना? माँ। अच्छा ये क्यों, बाप बाप नहीं है? अब आपकी हमारी अकल हुज्जत है, अब आर्गुमेंट करने लगे कि भाई अगर बाप नहीं होता तो क्या तुम पैदा हो सकते? तो फौरन मैं जवाब दिया, अगर मेरी माँ ना होती तो बाप क्या करता? अब रातें कट जाएंगी, रातें ये तयशुदा बात है। क्यों कहा गया अम्मा? इसे कई एक वजूहत है, फिर वक्त जो जहन में बात आ रही है वो सुनते चले। अगर हजरत आदम बच्चे पैदा कर सकते होते तो खुदा मम्मी हव्वा को जाहिर न करता। तो पता चला तन्हा पप्पा कुछ नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं बात को बातें नहीं कर सका। फिर माँ की अहमियत बताने की खातिर खुदा वंदे आलम ने, खुदा वंदे आलम ने हजरत ईसा के बाप को नहीं रखा, मम्मी काफी है। मरियम, मरियम के शौहर नहीं, खुदा बता दिया अगर एक औरत भी है तो बहुत काफी है। हाय 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 हाय, एक औरत है तो बहुत काफी है। अब तुम समझो चौदह में एक फातिमा की कल्पना। इमाम बारह रहेंगे, इमाम बारह रहेंगे, नबी एक रहेगा। सुबह के पास कोई मनसब नहीं मगर यह के सब पे गालिब रहेगी।
कर रहे हैं इमाम जी, अब क्या करेंगे? क्यों दलील होना? अगर दलील के तो गुफ्तगू नहीं है। नबी भी आवाज दे रहे हैं, इमाम भी आवाज दे रहे हैं, उधर अल्लाह आवाज दे रहा है, इमाम आवाज दे रहे हैं। किसकी आवाज पे लब्बैक कहना है? इस दिन की खातिर खुदा ने कहा देखो तीनों को एक माने, हमें दो ही पैदा मत करो, हमें दो ही पैदा मत करो, चौदह एक है और एक दो नहीं हो सकते। देखिए भाई ये रियाजी एक अलग है, चौदह एक है, एक दो नहीं हो सकते। अल्लाह कितने हैं? दो नहीं हो सकते, चौदह दो नहीं हो सकते। समझने की बातें हैं, चौदह एक है, एक अल्लाह कितने, तो वो भी है ये भी है, तो भी दो हो गए। अल्लाह दो नहीं हो सकते, इसीलिए कहा गया जब चौदह एक हो तो ये चौदह को छोड़ो, उसको एक मान लो, मगर ये चौदह के एक होने से वो एक होता है। अगर हम न होते तो उसकी अहदियत वहदानियत का कलमा नहीं पढ़ा जा सकता, यानी उसको एक नहीं माना जा सकता। नहनों की तरह से एक है, नहनों जमा हो गए एक, तो वो एक माना गया, वरना एक नहीं माना जा सकता। हकीकत मान चुके तो हकीकत पर बाकी रहना, बाकी रहना। अब यहां से जिक्र करना चाहता हूं, अब ये तलाश करना कि हकीकत को मानने के लिए मजाज जरूरी है, हकीकत को मानने के लिए मजाज जरूरी है। जैसे वली को मानने के लिए हम वली मजाजी को सहारा बना रहे हैं, अब खुदा के आरिफ होना है, खुदा के आरिफ होने के लिए इमाम को तो हकीकत मान लिए, तस्लीम कर लिए, इसके लिए मजाज होना है, इमाम के लिए एक मजाज होना है, ताकि हम हकीकत का कलमा पढ़ें, हकीकत का कलमा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला जब पेश कर दूंगा सब कबूल करेंगे। हाँ शायद हो सकता है इसमें से एक भी रद्द न करें, एक भी रद्द न करें। इमाम हकीकत है और ये तयशुदा बात है, बगैर मजाज के हकीकत का कलमा नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम ये समझे कि इमाम मजाज है, अल्लाह हकीकत है, नहीं ऐसा नहीं है, यही है बस, ऐसा नहीं है। इमाम हकीकत था, हकीकत है, हकीकत रहेगा, रहेगा। इस मेरे जुमले को समझना है तो इससे खबल की मेरी मजलिस पर गौर करो, मैं बहुत कुछ कह दिया हूँ उस मजलिस में, बहुत कुछ कह दिया हूँ, मगर मजमा बेदार नहीं था, नहीं समझा मैं क्या पढ़ दिया, क्या पढ़ा और ये समझ में आया कि क्या पढ़ना चाहिए, मुझे ये समझ में आया कि क्या पढ़ना चाहिए, तो वही पढ़ रहा हूं। मजाज के बगैर हकीकत का कलमा नहीं हो सकता। दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों मेरे बच्चों, एक है जिक्र लिसानी, एक है जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी को मजाज कहते हैं, जिक्र लिसानी को मजाज कहते हैं,
ذکر قلبی کو حقیقت کہتے ہیں. نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں لطف آئے گا نماز کا. نماز چھوڑ دو, نماز چھوڑ دو. اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو لطف آئے گا. لا الہ الا اللہ کیا پڑھا میں نے؟ لا الہ الا اللہ یہ ذکر لسانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھا میں نے؟ ذکر لسانی ہوا یہ. الحمد للہ رب العالمین ذکر لسانی ہے, ذکر لسانی ہے. جو ذکر لسانی ہے وہ حد نگاہ میں آتا ہے. اشارے میں آتا ہے. یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس میں کلمہ بھی لکھا ہوا ہے. میں نے بتایا یہ کیا ہے, اشارے میں آیا, اشارے میں آیا. آپ نے پڑھا کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اشارے میں آیا پڑھا. محمد رسول اللہ اشارے میں آیا پڑھا. علی ولی اللہ اشارے میں آیا پڑھا. تو پتا چلا جو اشارے میں آئے مجاز ہے. مجاز ہے. زبانی ذکر کو مجاز کہتے ہیں. بہت امیدیں لے کر میں نے پڑھا تھا, پھر مایوس ہوا, پھر مایوس ہو گیا میں. لا الہ الا اللہ کیا ہوا؟ ذکر لسانی ہوا. ذکر لسانی چونکہ مجاز ہے اسی لیے فائدہ بخش نہیں ہے. بس کر دوں تو پڑھو. خدا کی قسم آپ ہوا میں بیٹھے اطمینان سے, کسی کے چہرے پر ایک پسینے کا خطرہ بھی نہیں ہے. میں پورا بھیگ چکا ہوں. میں مجھے معلوم ہے یہ ذکر کی عظمت کیا ہے اور اس ذکر میں کتنا جلال ہے. وہ جلال کے سبب پسینہ آ رہا ہے, مجھے پسینہ آ جا رہا ہے. علی ولی مشکل کشائی کر رہے ہیں, پسینہ بہنے کے باوجود پڑھ رہا ہوں, اس کے باوجود میں پڑھ رہا ہوں. کیا معلوم کر رہا ہے خادم؟ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی فائدہ نہیں ہے, فائدہ نہیں ہے. مسلمان نہیں تھے, نہیں ہیں, نہیں ہوں گے, نہیں تھے, نہیں ہیں, نہیں ہوں گے. بھائی پڑھ رہا ہے نا, نہیں. ذکر لسانی فائدہ بخش نہیں ہے. اب آج کے بعد سے اگر اصولی غیرت مند ہے, اگر تھوڑی بہت غیرت ہے تو منہ بند رکھیں گے. میری زندگی تک منہ بند رکھو اگر سلامتی چاہتے ہیں تو, ورنہ ایسے جواب دوں گا تمہاری آنے والی ماں باپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. سرکار ریاض ملت کے گھرانے کا ایک بڑا عجیب و غریب تھا, اس کو ساحل بابو یقین کرتے ہیں. ہمارے پپا کی ناک میں دم کر دیا. آپ کے پپا صاحب امامہ تھے مگر دم کر دیا. ہاں ہاں نہیں بھائی, وہاں اذان ہو رہی ہے, اذان عبادت خانے میں اذان ہو رہی ہے. کیا اس میں علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ فائدہ بخش نہیں ہے.
पत्थर के जिक्र खल्बी को हकीकत कहते हैं, जिक्र खल्बी के लिए जिक्र लिसानी जरूरी था, उसकी खातिर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। अगर खल्ब जिक्र के लिए आमादा नहीं है तो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कहना अबस है। क्या है? अबस है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी नहीं है, नहीं है। बड़ी कीमती मजलिस हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी नहीं है। ला इलाह इल्ला अल्लाह है। हाँ, ला इलाह इल्ला अल्लाह कितने लफ्ज हैं? चारों लफ्जों की नफी करना, लफ्जों की नफी करना तो हकीकत मिलती है। देखो तुम हुरूफ की इबादत मत करो, हुरूफ की इबादत मत करो, क्योंकि हुरूफ असीर सौत है। जब असीर सौत हो जाए तो महदूद हो जाए, महदूद हो जाए तो ला महदूद की इबादत ला। मखलूक की नफी करना है, इस बात पे
समझे, नमाज उस वक्त तक नहीं जब तक के रुजुए खल्ब नहीं, यानी रुजुए खल्ब जब पैदा हो तो नमाज पढ़ना। रुजुए खल्ब क्या है? मानिए ला इलाहा इल्लल्लाह, खदरदान बैठे, बड़ा ऊंचा जुमला खादिम पेश करने जा रहा है, मानिए ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाने की खातिर खुदा बंदे आलम ने अली वली को जौफे काबा में जाहिर किया। से बाहर आए, बाहर आने के बाद कहने मानिए मानिए इला मैं हूं, मानी अल्लाह माना नहीं है, अल्लाह माना नहीं है, इबादत है, इबादत मंशा रब ये है कि जो मानी है उसकी इबादत करो। हरम अल्लाह, हरम अल्लाह, हरम अल्लाह, हरम का हरम हरम
हुरूफ के पीछे पड़े हैं, हुरूफ के। चाहूं तो कुरान की एक एक आयत को सहारा बनूं, हटाते जाऊं। इसीलिए अली ने तीर चलवाया। कुरान पर क्यों चलवाया? हुरूफ का मजमुआ है। कोई इंतखाबुल नहीं है। अरे तुम इबादत ही कब कर रहे हो? गाई देते हैं क्या? वो नहीं बन रहे हैं ये उजाड़ सूरत बनाकर मेरे सामने कहते हैं कम मगर के बच्चे है। उन्होंने नहीं बोल रही अजी जिसका शुमार ना मर्द में है ना औरत में है। मर्द में है औरत में है, मर्द हो तो एक ही तरफ रहता है। जनाना सिफत इधर भी उधर भी, औरत वर्दी इधर मर्द जी एक तरफ। जब एक तरफ होता है खुदा उसकी तरफ होता है। बस है काफी है मैं जहां तक समझता हूं, वरना ला दो हरूफ पर मुश्तमिल है। लाम को अलग करता, अलिफ को अलग करता, ये दोनों को अलग कर कर इसमें से हुरूफ निकालता। उन हुरूफ से पूछता तुम कहां पर छुपे हुए थे, फिर इलाह के अलीफ और लाम और हा को अलग करता, सबको बिखेर देता। बिखेर कर अलीफ के बातिन से हुरूफ निकालता, लाम के बातिन से हुरूफ निकालता, हा के निकालता, फिर इल्लाह के अलीफ और लाम अलीफ को अलग करता, बोलता बताओ तुम्हारे बातिन में क्या क्या थे। तो जवाब इल्लाह आया, अगर तू कर सकता है तो कर ले, हुरूफ को अलग करा। फिर अल्लाह के एक एक हर्फ से हुरूफ को निकाला, हर्फ में हुरूफ थे इसीलिए एक से 14 आए। जब इन हुरूफ की सूरत गरी अली ने की, एक कलमे की शक्ल में एक कलमा जाहिर किया, जाहिर किया, जाहिर की निस्बत मखलूक से हुई, बातिन की निस्बत खालिक से हुई। सनाई तरी करने वाला कौन? अली है या नहीं है? वो साने है, वो साने है, उसका इख्तियार है अपनी मखलूक को जैसा चाहे इस्तेमाल करे, जैसा चाहे इस्तेमाल करे, खदमो तले लाए उसका, खदमों के ऊपर रखे उसका इख्तियार, उसकी मखलूक। नफी होने वाली चीज पर कदम रखा, जिसकी नफी होती है उस पर कदम रखा। यानी मंशाए अली ये था, ये बताना मकसूद था कि देखो जब तक ला इलाहा
इल्लल्लाह पर हिजाब नहीं आता, मानिए ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मिलते। नहीं 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 पहुंचे, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। जब तक मोहम्मद रसूल अल्लाह पर हिजाब ना आए, मानिए मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं मिलते। खदम रखकर दोनों पर हिजाब डाला, हकीकत ये हकीकत ये मानिए ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मद रसूल अल्लाह बनकर अली अली जाहिर हकीकत बंदों की निस्बत से नबी की, बंदों की निस्बत से रसूल की हकीकत है। मेरी निस्बत से मेरी हकीकत, अगर मेरी हकीकत न होती तो अनरहमान न करती। तकरीर से अब तक अली अली बोला, आपका ये फरीजा बनता था, आपका ये फरीजा बनता था। मैं जब अली बोलूं तो आप मुसब्बना जाफर मुसब्बना क्योंकि एक है जर्रा बराबर फर्क नहीं है। जैसे अली है वैसे ही मूसब न जाफर, जैसे अली है वैसे ही इमाम रजा है, जैसे अली है वैसे ही जाफर सादिक है, मोहम्मद बाखिर है, जैनुल आबिदीन है, हुसैन है, हसन है, अली है, अल्लाह है। किसकी हकीकत है तो बताना पड़ता है, किसकी हकीकत है? अल्लाह की हकीकत। अगर इनको न देखते होते तो हम अल्लाह की हकीकत को कैसे पहचानते? तो पता चला इनसे याद खुदा है। जब इनसे याद खुदा है तो खुदा ने कहा तुमको मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मगर करूं क्या? मेरी किताब खुदरत में 12 का जिक्र है, मेरी किताब खुदरत में 12 का जिक्र है, मेरी मशियत में 12 है। 12 को जाहिर करना जरूरी है। सूरत अलग रहेगी, हकीकत एक रहेगी सूरत। मगर देखा यह गया कि जमाने ने हकीकत खुदा पर जुल्म किया। किस पर? हकीकत खुदा पर जुल्म किया। इंशाअल्लाह ताला ज्यादा मसाइब की तैयारी नहीं रहेगी। दो चार जुमले ऐसे बोलूंगा, आप खुद नबी जादियों को पुरसा दे देंगे। दस्तूर तो यही है ना, जब किसी के घर मैयत तो जाती है पुरसा दिया जाता है तो पुरसे में गले मिलते हैं, रोते हैं, गिरिया करते हैं, सब्र की तलखी है। यही दस्तूर है। हदीस में मारी दुआ है कि जहां पुरसेदारी होती है,
फरशादा बिश्ती है जाए। हम गरीबों का जिक्र सुनकर आवाजें बुलंद हो जाती तो फौरन रसूल आगे बढ़ता। अरे इससे तो समझो अजादारों की क्या नियत है। हम वक्त लोग जानते नहीं इसे बोलने की बीमारी है। अरे नमाज 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 तुम इतना अजादारी से नमाज का तकाबुल कर रहे हो, इतना जिक्र अली से नमाज का तकाबुल कर रहे हो जिसकी वजह से नमाज से नफरत पैदा हो जाएगी, नमाज से नफरत पैदा हो जाएगी। इसके जिम्मेदार ये मौलवी लोग होंगे, मौलवी लोग होंगे। बताओ मुझे कोई एक वाकया बताओ, मुझे चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से, मेरा चैलेंज क्या है, चैलेंजिंग जुमला है ये, और इंशाल्लाह ताला मेरी मजलिस शाम में यूट्यूब पे चढ़ जाएगी क्योंकि जिस दिन मैं पढ़ता हूँ उसी दिन चढ़ जाती है और काफ़ी तादाद में लोग देखते हैं। कल की मेरी तकरीर है, कल की मेरी बैतुल खायम की तकरीर, अभी तक तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों ने देख लिया। कल रात पढ़ा था, अभी तक ये भी इंशाल्लाह तक देख लेंगे। इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ आलम इस्लाम के जितने भी नाम निहात मौलवी हैं जो अपने आप को शिया कह रहे हैं उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताओ रे। अरे मौलवी लोग बताओ रे, मेरा लहजा बदल रहा है, करो क्या? तुम जिक्र अली से नमाज का तकाबुल कर रहे हो, फरशादा से नमाज का तकाबुल कर रहे हो, कोई एक ऐसी रिवायत बता दो कि जहां मुसल्ली आकर जूतियां छोड़ता है तो इमाम उसकी जूतियों को हैं, जैसे लगता जैसे कि चादर पड़ी।
सोचे तसव्वुर शब्द है, समझने और समझाने के लिए लफ्ज होती है, लफ्ज हकीकत नहीं होती, लफ्ज हकीकत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एहसासात को उजागर करने के लिए जुमले बोले जाते हैं। तो मर्सिया में अभी आपने सुना, मखातिल में आया कि इमाम सजदे में हो, तो ये पता नहीं चलता कि कोई सजदा कर रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है चादर पड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह, ये हाल हो गया था इमाम का। अब इसके बाद इस पर गौर करें ताकि फुर्सत मिले, ताकि फुर्सत मिले इमाम का यह हाल था।